नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक से ज्यादा अगर आप मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं, इस काम को आप कैसे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये तरीका बिल्कुल आसान है और काफी यूजफुल है। अगर हम बात करें इसका क्या फायदा है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने इस लैपटॉप से इस मॉनिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ। हम चाहें तो इस कंप्यूटर में यहाँ पे हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं, और दूसरे में हम चाहें तो मूवी अगर देखना चाहते हैं तो हम दूसरे में मूवी देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि एक मॉनिटर में आप कोई चीज़ एडिट कर रहे हैं, कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं, दूसरे में अगर उसका जो है आउटपुट आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। अगर जो है आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो एक में आप जो है कोई चीज़ पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस मॉनिटर में आप पढ़ाने का काम कर सकते हैं, दूसरे मॉनिटर में लोगों का जो है कमेंट आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि इस काम को कैसे करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस काम को कैसे करेंगे, इसके पहले चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाता हूँ कि इससे क्या क्या फायदे हैं। आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारा ये लैपटॉप है, और इसी लैपटॉप से ये जो मॉनिटर है ये हमारा कनेक्टेड है। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे वाले अगर मॉनिटर में अगर हम चाहते हैं कोई मूवी देखना चाहते हैं, यूट्यूब से अगर कुछ देखना चाहते हैं, तो आप करेंगे कैसे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे जो गूगल क्रोम है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जैसे YouTube का जो वेबसाइट है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं YouTube का वेबसाइट ओपन हो चुका है। मैं इसको जैसे इसको इसे ड्रैग करके आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस एप्लीकेशन को मैं जो है दूसरे वाले में सेंड कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे राइट करके इसको आपको ऐसे छोड़ देना, तो आप देख पा रहे हैं हम इस मॉनिटर में हमारा यूट्यूब दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक मॉनिटर में यूट्यूब की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। आप जो किसी भी मूवी को वहाँ पे आप सर्च करके उसको चला सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मूवी देखने के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कोई अगर आप एमएस वर्ड पे अगर कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड का एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए एमएस वर्ड का एप्लीकेशन ओपन हो गया है, और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया हूँ। तो कहने का दोस्तों मैं यहाँ पे टाइपिंग का भी काम कर सकता हूँ, और दूसरे में हम मूवी देखने का भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी यूजफुल है। तो चलिए जानते हैं कि इस काम को करने के लिए आपको क्या क्या काम करना होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारा लैपटॉप है, और इसी लैपटॉप में मैं एक एडिशनल अलग से जो है मॉनिटर यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए आपके पास जो है VGA केबल या HDMI केबल होना चाहिए। देख पा रहे जो ये हमारा मॉनिटर है इसमें जो है यहाँ पे VGA केबल भी दिया है और HDMI भी दिया है। तो मैं यहाँ पे HDMI केबल यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका एक पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है HDMI का, और इसका आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा कंप्यूटर है इसका जो VGA केबल है मैंने इसको यहाँ पे डिसकनेक्ट कर रखा हूँ। और यहाँ पे ये जो HDMI का जो तार है ये दूसरा इसका जो पॉइंट है इसको मैं अपने कंप्यूटर में यहाँ पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों आपको भी चेक कर लेना कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें HDMI दिया है कि VGA केबल दिया है। अगर VGA केबल दिया है तो आपको VGA केबल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर HDMI दिया तो आप HDMI का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं जो HDMI जो वायर है जो तार है इसका दोनों जो पॉइंट है मैंने एक पॉइंट जो है इस मॉनिटर में लगा दिया, दूसरा जो पॉइंट है इसको मैंने अपने इस लैपटॉप के अंदर लगा चुका हूँ। दोस्तों आपको एक कमांड यहाँ पे प्रेस करना है, वह है विंडो के साथ आपको P प्रेस करना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है PC स्क्रीन ओनली, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो केवल यही स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका जो डुप्लीकेट है इस पर अगर आप प्रेस करेंगे तो इसी स्क्रीन का बिल्कुल आपको यहाँ पे डुप्लीकेट दिखाई देगा। दोस्तों डुप्लीकेट का इस्तेमाल तब करते हैं जैसे अगर हम अपने लैपटॉप की कोई इन्फॉर्मेशन को बड़े स्क्रीन पे अगर हम दिखाते हैं, प्रोजेक्टर पे दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ एक्सटेंड, जैसे आप एक्सटेंड पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो उस केस में आप जो है इस मॉनिटर में कोई दूसरा चीज देख सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, और इसमें आप दूसरा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटेंड है मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे जो गूगल क्रोम है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर रहा हूँ तो देख पा रहे हैं ये गूगल क्रोम वहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँ तो उस गूगल क्रोम को यहाँ पे ला सकता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसका टॉप वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं प्रेस करके इसको आप देख पा रहे हैं इस गूगल क्रोम को मैंने यहाँ पे ला दिया है। और यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब का वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं YouTube की वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अगर इस ये जो YouTube की इंफॉर्मेशन को, ये YouTube के कंटेंट को अगर हम दूसरे में देखना चाहते हैं तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपको टॉप पे ऐसे क्लिक करना है और जैसे आप इसको इस इधर ले आके आप छोड़ देंगे तो देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप जो है कोई मूवी देख सकते हैं, ऑडियो आप सुन सकते हैं और यहाँ पे जो मेन जो हमारा ये लैपटॉप है यहाँ पे हम किसी दूसरे एप्लीकेशन पे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन किया था, अभी मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे वाइट बोर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम कोई डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं और उसमें हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।